और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झालावाड़ में प्रमोद शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज और मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र में अभद्रता का आरोप है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी थी प्रमोद शर्मा और स्टाफ के ज्ञापन पर दर्ज किया गया मामला। तो इस वक्त की बड़ी खबर, झालावाड़ में प्रमोद शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। दरअसल मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र में उन पर अभद्रता का आरोप था और इसी के चलते केस दर्ज हुआ है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी थे प्रमोद शर्मा, जिन पर अब केस दर्ज हो गया है। स्टाफ के ज्ञापन पर यह मामला दर्ज किया गया है और आगे की पूछताछ अब चल रही है। के ऊपर जायजा लिया जा चुका है और 59वीं मनोहर थाना पीएससी के ऊपर पहुंचे तो वहां अस्पताल के बाहर गेट के ऊपर दो पुलिस कर्मी तैनात थे। वहां हमने पेड़ के नीचे एक प्रसूता को देखा जो दर्द से कहरा रही थी। अंदर गए तो अंदर देखा तो वहां पर डॉक्टर अपने रूम के अंदर चार डॉक्टर बैठे थे। इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ आरिफ जुड़े हुए हैं। आरिफ, प्रमोद शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। जी बिल्कुल दिव्य, जो बात सही है कि झालावाड़ के लोकसभा उम्मीदवार जो कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके हैं उनके खिलाफ मनोहर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज हो गया। मामला ऐसा है कि मनोहर शर्मा लगातार कई दिनों से पूरे झालावाड़ जिले का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह अस्पतालों में जा रहे हैं और वहाँ की हालत के व्यवस्था बारे में जानकारी है। इसके लिए इन्होंने जिला कलेक्टर से परमिशन भी ली है और आज जब ये इकलेरा के बाद वहाँ मनोहर थाना पहुंचे थे वहाँ तो उनके डॉक्टर साहब इनके साथ चिकी नोकझोंक भी हुई। इसके वीडियो वायरल होने के बाद जब हड़कंप मचा हुआ है, जिसके वीडियो लगातार झालावाड़ जिले में लोगों के मोबाइल पर चल रहे हैं, इसमें उलझते चल रहे हैं जो उसके बाद हरकत में आते हुए उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।